बाबा बेअकल बेदानिश इलिटरेट ड्राइवर से क्या फायदा जिससे अकल कुछ दूर हो। अकल चिराग राह नहीं है करीमुद्दीन, सदाकत चिराग राह है। ये अकल दानिश के मुजाहरे तो तुम रोज यूएनओ में अखबारों में देखते हो। सदाकत और मखनी होती है अकलों की बातें। जी छोड़े, आपसे तो बात करना ही बेकार है, और कुछ सिवाय बहस में उलझने की और आता ही क्या है। एक बार गौर से फिर मेरी बात सुन लो करीम, कि शायद अगले 12 सालों में हम एक दूसरे से फिर ना मिल सके। कि ये जो तमाम दुनिया की तुम्हें नेमतें और रिवॉर्ड्स अता हुए हैं ना, यानी इल्म और इंटेलिजेंस और सेहत और तंदुरुस्ती और इज्जत और दौलत और असर और रसूख और इख्तदार, ये सब दीन है, ऐन दीन है, बशर्ते कि इसको तुम अल्लाह की अमानत समझकर उसकी मंशा के हिसाब से इस्तेमाल करो। अगर तुम इसे अपनी जाती मिल्कियत समझकर अपनी ख्वाहिश और अपनी आरजू के मुताबिक इसे इस्तेमाल करोगे ना, तो फिर ये सब दुनिया है, बदबूदार बेचैन कर देने वाली दुनिया। मेरी बड़ी आरजू थी कनीज़ फातिमा कि मेरा बेटा एक बहादुर दयानतदार वची जवान मर्द खुददार इंसान की तरह से जिंदगी बसर करता, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। और मौलवी खैरुद्दीन का पर पोता और मौलवी रुकतुद्दीन का पोता और मौलवी शमसुद्दीन का ये बेटा एक अजनबी तहजीब और फॉरेन कल्चर के हाथों बड़ी ही सस्ते दामों पे गया। अरे इस जालिम ने तो अपने वजूद का कुछ मोल ही न था, बड़े सस्ते दामों पे किया।